नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बिहार का महासंग्राम में। आज बात भागलपुर विधानसभा सीट की। इस बार विधानसभा की वीवीआईपी सीटों में से एक भागलपुर विधानसभा सीट है, क्योंकि इस सीट से कई बार विधायक रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, मगर बीजेपी ने उन्हें टिकट ना देकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे को टिकट दिया है। बात करें भागलपुर विधानसभा सीट की, तो इस बार महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के टिकट पर लगातार दो बार से जीत रहे अजीत शर्मा फिर से प्रत्याशी हैं। वहीं एनडीए के खाते से बीजेपी के रोहित पांडे को टिकट दिया गया है। तो वहीं एलजेपी ने इस सीट से राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बात करें 2015 विधानसभा चुनाव के आंकड़े की, तो उस समय कांग्रेस के अजीत शर्मा को 70,514 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के अर्जित चौबे को 59,856 वोट मिले थे। बिहार की भागलपुर विधानसभा सीट प्रदेश के कई प्रमुख सीटों में से एक है। फिलहाल कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा यहां से विधायक हैं। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है। पिछले चुनाव में अजीत शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी अर्जित चौबे को हराया था। हाल के चुनावों को देखें तो कांग्रेस इस सीट पर बीजेपी से भारी दिखती रही है। पिछले दो बार से उसे यहां पर जीत मिल रही है। देखना ये होगा कि इस बार ये सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।